ये क्या है? ये तो पूछो, ये क्या है? दाल। अरे कौन सी दाल है ये? खट्टा। अरे खट्टा, ये कड़ी। ये कड़ी है और राजमा ये दाल में मिक्स है। क्या क्या है? मखना। मखना दाल में? मदरा। मदरा मदरा के दाल। ये লোকাল है ना? আমরা এখন তাহলে লাঞ্চ সেরে নিয়েছি। হিমাচলি ধাম ছিল লাঞ্চে। বেসিক্যালি একটা মাছের ডালের মতো এখানকার লোকাল ডাল হয় সেটা থাকে। আর রাজমা, এখানকার রাজমা প্রসেস করা রাজমা, মানে দই দিয়ে ওটাকে প্রসেস করে দই খেয়ে দিয়ে ভালো, খুবই টেস্টি ছিল। সাথে একটা খাট্টা চাটনি, যেটা ইমলি আমচুর পাউডার আর গুড় দিয়ে তৈরি হয়। আর কারি তো আমাদের যেমন থাকে অ্যাজ ইউজুয়াল ছিল, এই ছিল এখনকার দিয়ে। আপাতত আমরা খাজিয়ারের জন্য যাচ্ছি। কাঞ্চনদা বসে আছেন। আমি এখান থেকে খাজিয়ার 21 কিলোমিটার, 21 কিলোমিটার না 21 কিলোমিটার, 24। চাম্বা থেকে এখন আমরা অনেকটা উপরে উঠে এসেছি। খাজিয়ার অ্যাকচুয়ালি চাম্বা থেকে 24 কিলোমিটার, প্রায় 1900 মিটার মতো অল্টিটিউড এটা। উইন্টারের সময় খাজিয়ার পুরো বরফে ঢেকে যায়। এটাকে অনেকে ভারতের মিনি সুইজারল্যান্ডও বলে। এটা পাহাড়ের উপরে একটা বিস্তৃত ভ্যালি। এখানে একটা নাগ দেবতার টেম্পেল আছে, এটাকে খাজি নাগ টেম্পেল বলা হয়। ওখান থেকে আরো কিছুটা উপরে উঠে গেলে একটা জায়গা আছে, এটা পুখেরি। ওটা ট্রেকিং করে যাওয়া যায় সিডার ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে। ওই জায়গাটা পুরো অসাধারণ, হিল টপ। ওখানে আপেলের বাগান, ছোট হোমস্টে, সব মিলিয়ে অসাধারণ একটা জায়গা। খাজিয়ার ঢোকার সময় একটা গেট পড়বে, ওখানে একটা গেট নিলে গাড়ি চেপে। খাজিয়ার চাম্বা ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত। এটা একটা বিস্তৃত তৃণভূমি একদম পাহাড়ের উপরে। শীতের সময় এই জায়গাটা পুরো খুবই বরফে ঢেকে থাকে আর চারদিকে সিডার করে। মাঝখানে একটা ছোট লেক আছে, সেখানে জলটা একদম নোংরা।
গরম আছে দাদা এইখান থেকে উড়াচ্ছে तू मेरी अखियां दा नूर हो तू मेरी अखियां दा मोहिनी मेरी शिमले दी रानी ओ शिमले दी रानी चंबा कितनी খাজি আরে খাজি নাক দেবো তার টেম্পে এখন আমরা খাজিহার থেকে আরও কিছুটা উপরে উঠে এসেছি এখানে দেখি কী লেখার আছে এগুলো সবজি তো একটা রান্না হয় বহুত আছে জায়গা আছে এইখানে দুদিন টেন্ট লাগে না আজ নিকল যাব আমরা কাল কিলার যাব ভাইয়া চাই ভাই হয় তো পিলা সকতো চাই পিলা সকতো ये है अमीरा होमस्टे ये कितना लेते हो सर डिपेंड करता है कस्टमर देखिए मोटा मोटी मोटा मोटा यहाँ पंद्रह सौ मैं दो सौ उसमें दो हज़ार मैं दो सौ लिखी लगा इनको पारे पार्टी खाना खाना मिला के ब्रेकफास्ट का ब्रेकफास्ट है ब्रेकफास्ट है
ये कौन सा साग है? ये साग से सब्जी है, सब्जी है ना? ये लोकल सब्जी होती है, काफ़ी मतलब टेस्टी काफ़ी है। हाँ ये सब्जी होती है। क्या नाम है इसका? इसको भैया वो बोलते अपना, अब मुझे तो इतना हो नहीं है, हम तो इसको कुछ और बोलते हैं कि इसको लुगड़ू लुगड़ू बोलते हैं। सब्जी होती है मैं भी एक्चुअली वहाँ काजा के लिए निकल रहा हूँ बाया मनाली पे। अच्छा, दो तीन बार क्रॉस किया मैंने पहले भी, अब मैं जा रहा हूँ परसों निकल रहा हूँ। तो आप गाड़ी लेके जा रहे हैं? गाड़ी लाए हैं? हाँ गाड़ी। टैक्सी है? इधर का ही है। अच्छा, इधर हायर किया है। अच्छा, जानते हैं होंगे, आपका नंबर भी देख लिया मैं। हाँ, अब दूसरा बार कोई आएगा तो खाना जरूर देंगे ना, बताते रहते हैं। पूरा मड हाउस मिट्टी का बनाया हुआ है, देखने का जरूर। हाँ तो देख लीजिए, देख लो कोई बात, देख लीजिए, देख लीजिए। आ जाओ, कोई चार्ज तो लगने देते हैं ना, वीडियो बना लेते हैं। पूरा मिट्टी का बना हुआ है। ये कौन सा पेड़ है? एप्पल का है क्या? एप्पल का भी अगले साथ आ जाएगा। अच्छा, ये एप्पल का। ये सारा मैंने फ्रूट लगाया हुआ है, अगले साल सारा तैयार है। ये कौन सा फ्रूट है? ये एप्रिकॉट है। अच्छा, एप्रिकॉट का है। ये प्लम है। ये एप्रिकॉट है। ये प्लम है। अच्छा, ये नीचे नाशपाती है। अच्छा, मतलब अगले साल ये सारा रेडी आ जाएगा ना, अगले साल पूरा। अब पानी पिलाइए कम से कम। ये माड हाउस है। हम नीचे जैसे ना गांव के साथ खिलाते हैं खाना खाना, किचन में नीचे बैठ। हाँ, मतलब अपना होम जैसा है। होम जैसा फीलिंग पूरा होम। लंबाई में उतना ज्यादा नहीं, नहीं फिर भी होते हैं। हाँ। काम अरे खूब सुंदर। अच्छा, ये भी डबल बेडरूम है। हाँ, ये वॉशरूम है। हाँ, पूरा तो इंग्लिश टाइप है पूरा बना हुआ। ये तो फिर से काच के कस्टमर के ऊपर से बैठ लेंगे ना। वो बेड रूम है। ये भाड़ा कितना है बोल रहा है ये? इसका भैया अभी ऑफ सीजन चल रहा है ना। हाँ, अभी तो 1500-2000 जब सीजन होता है मई जून में ना, तब 3000-3500 रुपये चलता है। ओके, तो उसमें ब्लेवर सीजन रहता है। आपको क्वार्टर रूम है इधर? इधर पूरा माटी तो है, माट रूम है। बहुत अच्छा है, आने का मन रहा, फ्यूचर में कभी जरूर आऊंगा। हम लोग घूमते रहता हूँ। खाड़िया 2 किलोमीटर मत ऊपर उठे इसकी, এটাকে পুখেরি বলা হয়। এই জায়গাটা অসাধারণ। এখানে রাত্রি থাকার জন্য টেন্ট, ছোট ছোট কটেজ, হোমস্টে, মাটির তৈরি হোমস্টে সবই আছে। অ্যাডভেঞ্চার জন্য করা যায় এখানে। এটাতে আরো বেশি হয়েছে। এগুলো সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাস অব্দি রেডি হয়ে যাবে আপেলগুলো পেকে, কিন্তু আপেলের দাগ হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের পরের দিনের গন্তব্য সাতপাড়, পরের ভিডিওতে
দেখাবো সাক্ষাৎ।